विपिन जी कैसा लग रहा है? क्या बताऊं सर, एक्साइटमेंट लेवल एकदम पीक पर है। अच्छा, पैराग्लाइडिंग करने कब गए थे आप मनाली? मैं ये एक्चुअली एक ट्रिप थी 3 जुलाई से 11 जुलाई की, 7 दिन की ट्रिप थी। तो ये पैराग्लाइडिंग वाला जो दिन था वो 7 या 8 जुलाई था, तो उसी दिन पैराग्लाइडिंग किया था। ये कुल्लू के धोबी पैराग्लाइडिंग पॉइंट है, वहाँ से। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग 5 लोग थे, जिनमें थे एक थे ऋषभ दीक्षित और शुभम तिवारी कल्लू, एक आदिल अहमद और एक मनोज पाल, बाकी पांचवें को तो आप जानते ही हैं। तो विपिन साहू को जब आसमान पे पहुंचे तो कैसा लगा? अब सर, जब तक आसमान पे थे तब तक तो बहुत अच्छा, कोहरा था, बादल थे, सब बढ़िया। जैसे ही थोड़ा नीचे आया और नीचे का मंजर देखा, तो उसके बाद जो मुंह से श्लोक निकले हैं, जो श्लोकों का प्रवचन हुआ है वो आपके सामने ही है। अच्छा, एक वीडियो जो आपका वायरल हो रहा है, काफी तेजी से वायरल हो गया, क्या इसके पीछे थी, कैसे ये वायरल हो गया? क्योंकि वीडियो तो आपने बनाया था। बिल्कुल कह सकते हैं कि वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन मेरी इंटेंशन ऐसी थी कि मैं उसको जितना छुपा के रख सकूं उतना छुपा लूं, किसी को पता ना चले। और वो मैंने अपने लैपटॉप पे ही ला के डाल लिया, कोशिश की किसी को ना मिले, लेकिन उन 5 लोगों के पास तो था ही, और मेरे लैपटॉप पे भी पड़ा था, छोटे भाई को मिल गया वो। तो लोगों को जिंदगी में से भरामी दोस्त मिलते हैं, मुझको बहुत कुछ मिले, और उनमें से छोटे भाई ने मेरा वो वीडियो YouTube पे अपने डाल दिया, और वहाँ से वो सबको मिल गया। और फिर वो पता नहीं अचानक से 8-10 दिन बाद सोशल मीडिया की सेंसेशन बन गया। पहली बार आपने पैराग्लाइडिंग की थी? मैंने इसके पहले इवन की एग्जीबिशन पे भी झूले नहीं झूले हैं, वो पहले टाइम ही था कि मैंने डायरेक्ट जाके पैराग्लाइडिंग कर ली और 12,000 फीट से कूद गया। तो जो पैराग्लाइडिंग का अनुभव था, उस पैराग्लाइडिंग जिसने आपको एक सोशल मीडिया का सेलिब्रिटी बना दिया आज की डेट में। भाई लैंड करना है अब अपने को, और आप देखो भाई पांव के ऊपर टूट जाएंगे, पांव में भाई पैर ऊपर कर दिए हैं भाई, पूरे पैर ऊपर है हुए भाई, मैं बोला भाई कसम से तुम्हारी कसम पैर ऊपर है भाई, बस मुझको लैंड करा, ऐसे करो ऊपर पांव लेकर दिए भाई, भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, जो इसमें आया अरे पांव के ऊपर क्या बोला मैं, अरे यार मुझको बस लैंड करा दे भाई, तू भाई तू भी टूटेगा फिर मैं भी टूटूंगा, नीचे पांव के ऊपर। क्या अब दोबारा भी पैराग्लाइडिंग करेंगे? ना ना सर, मैं बिल्कुल पैराग्लाइडिंग बिल्कुल नहीं करूंगा, स्काई डाइविंग करूंगा इस बार, कि पैराशूट खुद ही खोलूं, ना खोल पाऊं तो सीधे भगवान के पास पहुंचूंगा, अगर खोल ले गया तो फिर वीडियो फिर से आपके सामने आएगी। अच्छा, तो अब जो प्रसिद्धि मिल रही है अभी आपको सोशल मीडिया के, आप इस समय सेलिब्रिटी बन गए हैं, क्या अब किस तरह से लाइफ बदल गई इधर 2 दिनों में, क्या हुआ आपके साथ? देखिए एक्चुअली 2 दिन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई आई एम योर बिग फैन, बिग फैन, तो अपने तो फैन नहीं होते, अपने भाई होते हैं। तो लोग मैसेज कर रहे हैं कि एक लेडी का मेरे पास, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक लेडी का मैसेज आया मेरे पास, वो बोलती है कि सर आपकी वजह से मैं और मेरे हस्बैंड का पैचअप हुआ, 1 महीने से हम लोग बोल नहीं रहे थे, लड़ाई चल रही थी, और आपका वीडियो मैंने टीवी पे लगाया, अलग अलग सोफे पे बैठे देख रहे थे, और फिर उसके बाद जो हंसे कि रिपीट कर करके 10-10, 20-20 बार देखा, और फिर उसके बाद सब हंसने लगे, तो फिर एक हो गए। आपको भी अब हंसी आती है उसको देख के? जितनी बार देखो उतनी बार आती है कि क्या फालतू की बातें कर रहा हूँ मैं, ऊपर जाके पता ही नहीं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग पहली बार पैराग्लाइडिंग करते हैं ऊंचाई पर, उनके लिए क्या